लेकर किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। आज भी लोहड़ी वाले दिन किसानों ने रोष स्वरूप कृषि कानून की पर्तियां जलाई हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन जिला करनाल की एक मीटिंग घरोंडा के बसाड़ा टोल प्लाजा पर आयोजित की गई, जिसमें आगामी 26 तारीख को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड में जाने के लिए रणनीति तैयार की गई। किसान नेता जगदीप सिंह ओलख ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर नेताओं के आह्वान पर लोहड़ी के दिन टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते आज यहां करनाल जिले के किसानों द्वारा इकट्ठे होकर कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आगामी 24 तारीख को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए करनाल जिले से 15,000 के करीब ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो पानीपत के पेप्सी पुल के समीप इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रैक्टर जिले का खाली नहीं होगा। मीटिंग में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और इकट्ठे होकर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। कार्यक्रम बसाड़ा टोल प्लाजा पर रखा गया था। आज करनाल जिले की 26 तारीख को जो दिल्ली कूच करना था हमने, उसकी मीटिंग रखी गई थी। सभी पदाधिकारी आए गए थे, ब्लॉक के, जिले के, सभी की कि रणनीति बनाई गई है कि 26 तारीख को हम दिल्ली कैसे कूच करेंगे। और जिस हिसाब से ब्लॉक की प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई है, कितने ट्रैक्टर होंगे, किस हिसाब से होंगे, और 24 तारीख को हमारा यहाँ से जाना है दिल्ली कूच के लिए। कितने ट्रैक्टर जाने वाले हैं और ब्लॉक स्तर पर क्या रणनीति बनाई जाए? ब्लॉक स्तर पर नीति बनाई जाएगी, जो ब्लॉक प्रधान है उनके 4-5 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी और उनको ड्यूटी लगाई जाएगी। हर गांव में से 11 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी, जो कि गांव में से सभी ट्रैक्टर हैं उनको प्रेरित करेंगे कि आप ट्रैक्टर लेके जाओ, और जो भी खर्चा होगा तेल का सारे पंचायत करेगी, सब रल के करेगी और हमा के कर रही है। पूरा युवा में पूरा जोश है, कम से कम आप हमारे संत हल्के से 15,000 से ट्रैक्टर ऊपर लेके जाएंगे हम। टोटल बसाड़ा टोल प्लाजा से तकरीबन कितने ट्रैक्टर करनाल जिले से कितने ट्रैक्टर जाने वाले हैं? करनाल जिले से तो तकरीबन हम अंदाजा 50,000 का ट्रैक्टर हो सकता है। आज क्या कार्यक्रम, प्रतियां भी जलाई गई? आज तो कानून, जो कानून हमारे सरकार ने थोपे गए, उनकी प्रतियाँ जलाई गई और हमें उनका कानून को स्वीकार नहीं है और उसकी पतियाँ जलाई गई। आपका नाम? अमरीक सिंह, भारतीय किसान यूनियन से। उन्हें दिल्ली की तरफ कूच करना है, उसको लेकर जो 26 तारीख की रणनीति ये बनाई गई है, जो दिल्ली का हमारा प्रस्तावित जो गणतंत्र दिवस का एक ट्रैक्टर परेड है, उसको लेकर आज करनाल जिले की मीटिंग थी। 100 के करीब हमारे जो मेन कार्यकर्ता हैं वो आए थे, उसमें सर्वसहमति से कुछ फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो करनाल जिला 24 तारीख को कूच करेगा, 24 को चलेगा, 24 शाम तक दिल्ली पहुँच जाएगा, एक तो फैसला ये हुआ है। दूसरा फैसला जीटी रोड पर, जहाँ से पानीपत जिला स्टार्ट होता है पेप्सी पुल, वहाँ से सर्विस रोड पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जब पूरे ज़िले के आ जाएंगे, फिर आके दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। कुछ और हिदायत भी दी गई हैं, चलना कैसे है, गांव में 11 मेंबरी हर गांव में कमेटी बनाने जा रहे हैं, जो कमेटी सारे आंदोलन को गाँव में संभालेगी, फिर ऊपर ब्लॉक स्तर पर कमेटी है, फिर जिले स्तर पर है, और पूरे प्लानिंग के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे। कितने ट्रैक्टर पूरे करनाल जिले से? 15,000 से ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हमने 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार निकाला था, इतना जोश है पूरे करनाल जिले का, कोई ट्रैक्टर घर नहीं रहने वाला, हर घर से एक व्यक्ति जरूर जाएगा। कानून की प्रतियां भी आज आपने जलाई, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य ये था, ऊपर से सीनियर नेताओं ने आदेश करे थे, पूरे देश में लोहड़ी के दिन प्रतियां जलाने का प्रोग्राम था, करनाल जिले की प्रतियां यहां पर घरोंडा टोल टैक्स पर जलाई गई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, भारतीय किसान यूनियन चडूनी का मैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ और करनाल जिले का महासचिव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.